समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव पर चौतरफा वार हो रहा है अनिला सिंह जी, क्या ये लगता है कि आने वाले वक्त में अखिलेश अकेले पड़ जाएंगे? ये अभी शुरुआत है या आगे चल के तस्वीर बदलेगी, और इसे आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अनिला, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए प्रियंका जी के पास चलते हैं। प्रियंका जी, ये बताइए। जी हाँ, जी हाँ अनिला जी, कहें फिर से कहती हूँ, मेरी सबको राम राम। और हमने देखा है कि अखिलेश यादव जी ने पहले भी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए हैं उत्तर प्रदेश में, कभी बसपा के साथ जाकर तो कभी कांग्रेस के साथ जाकर, पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। और अगर मैं कांग्रेस की बात करती हूँ, कांग्रेस का तो बेचारा बुरा हाल हो रखा है। जब दो लड़कों का साथ का एक टैगलाइन लेके ये लोग चले थे तो बहुत ही बुरी हार का इन लोगों को सामना करना पड़ा था। तो उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि किस राजनीतिक दल में किस नेता में। बिहार का कॉम्बिनेशन आप समझ रही हैं अनिला जी? बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। जब नीतीश जी हमारे साथ नहीं थे तो 2 सीटें आई थी, जब हमारे साथ थे तो उनकी 16 सीटें आई थी। और उत्तर प्रदेश में आप 2014 के भी नतीजे देख लीजिए, 2017 के भी देख लीजिए, 2019 के भी देख लीजिए, 2022 के भी देख लीजिए, आपको साफ पता चल जाएगा ग्राफ से कि यहाँ की जनता जो है किस नेता किस राजनीतिक दल के साथ खड़ी हुई है। भ्रष्टाचारियों की, अपराधियों की, तुष्टिकरण की राजनीति का अंत हो चुका है उत्तर प्रदेश में। और बहुत जल्द जब बिहार की अगर आप बात करती हैं तो जब वहां पे स्टेट इलेक्शन होंगे तो वहां पे क्लियर मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बनेगी। परंतु जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश मिलाकर स्वीप कर जाएंगे और उनके जो मुख्यमंत्री के रूप में उनका पसंदीदा चेहरा उनका जो रिजल्ट आएगा, उनका पसंदीदा चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, मेरे ख्याल से ये केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अगर मैं पूरे भारतवर्ष की भी मैं बात कर लेती हूँ तो ये भानुमति का जो कुनबा है केरला से लेकर कश्मीर तक और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, आप देख लीजिए ये जो राजनीतिक दल है इकट्ठे आएंगे। 19 में भी प्रयास किया गया था, क्या ये इकट्ठे आ पाए थे? राज्य के चुनाव होते हैं उसमें अखिलेश यादव, अखिलेश यादव इकट्ठा लाने में और गठबंधन के लिए पूरा माहौल बनाने में तो आपने देख लीजिए, किसी ने सोचा था कि बुआ भतीजा की जोड़ी बनेगी लेकिन बनी। यहाँ पर अगर ऐसा होता तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? क्योंकि देखिए यूपी बिहार बहुत अच्छा खासा वेटेज लेकर के जाते हैं सीटों के मामले में। आपने अभी बुआ भतीजे का नाम लिया, कितनी सीटें आई थी दोनों की मिलके? वो अलग बात है लेकिन गठबंधन हो गया था। नहीं नहीं, कितनी सीटें आई थी? गठबंधन करते रहे लोग, गठबंधन से क्या होता है? क्या उस गठबंधन को स्वीकार करती है इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता? सबसे बड़ी बात तो यही है, यही डर, यही खौफ जो है कांग्रेस पार्टी में है। तभी राहुल गांधी जी बर्बरी की टी शर्ट पहनकर, जो कि 41-42 हजार की आती है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हमारी पार्टी तो जो है भारत जोड़ो पार्टी है, जो पार्टी भारत तोड़ो पार्टी रही 1947 और उसके बाद भी, पीओके को देख लीजिए आप, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को देख लीजिए, अलग अलग जगह इन्होंने तोड़ो 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 का काम किया। नहीं, नहीं, आज कौन सी यात्रा ये लोग कर रहे हैं? अखिलेश यादव पर तो नहीं जाते हैं क्योंकि वो उधर से आरोप लगाते हैं मोदी सूट 8 लाख का है और ये किसी ब्रांड की टी शर्ट 41 हजार की है, तो इसमें नहीं पड़ते हैं। लेकिन मुद्दा ये है, प्रियंका गुप्ता जी से भी पूछ लेते हैं। प्रियंका जी, अभी बहुत कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, अगर प्रसपा की आप अगर बात कर लें तो आज ही शिवपाल यादव ने कहा है कि हम उसके साथ जाएंगे जो हमारे जो सत्ता में रहेगा। आपकी पार्टी की क्या राय है प्रसपा को लेकर के? देखिए, हमें अपनी पार्टी के बारे में सबसे पहले बताने का मौका दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज जिस टी शर्ट की बात हो रही है वो खुद अपने पहले अपने घर देख लें, जिनके घर खुद कांच के होते हैं, दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। आप देखिए किस तरह से फ़ोटो जो वायरल हो रही हैं, वो आप देखिए गुची का स्कार्फ, जो 80-90 थाउजेंड रुपये का स्कार्फ होता है वो पहने हुए हैं। तो ये सवाल बनता है कि आप 8 हज़ार के प्लेन में चलें और आप 10 लाख के सूट पहने तो आपको कहने वाला कोई नहीं, पर एक टी शर्ट पहन ले और वो भी कौन पहन ले? गांधी फैमिली। आप देखिए कि जिनके पिताजी प्रधानमंत्री, जिनकी जो है दादी प्रधानमंत्री, उनके परदादा प्रधानमंत्री, और आज से वो रईस नहीं है, उनको अपनी रईसियत साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुद्दे क्या हैं? क्या टी शर्ट राहुल गांधी जी की टी शर्ट मुद्दा है या फिर इस देश की बेरोजगारी मुद्दा है?
आज इस देश में 42% युवा बेरोजगार है, ये मुद्दा है। राहुल गांधी जी अगर खड़े हैं तो उन बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज बनने के लिए खड़े हैं। इस देश में जिस तरह से घोटालों की भरमार है, चाहे वो मध्य प्रदेश में जो है पोषण को लेकर घोटाला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जो है पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट में जो है ट्रांसफर का घोटाला हो, चाहे आप देखिए कि किस तरह से जो आपके अभी हाईवेज बने हैं, जो एक्सप्रेसवे बने हैं, किस तरह से 5-5 दिन के अंदर वो ढह रहे हैं, ये घोटाला नहीं है? आप देखिए कि किस तरह से उत्तराखंड में भर्ती को लेकर घोटाला, इन सारे घोटालों के बीच ये सरकार अपने आप को कहाँ से सफेदपोश साबित कर पाएगी, जिसके दामन ही दागदार हो। आपकी पार्टी में कोई कौवा भी जाए तो आज उसको कबूतर बना देते हैं आप। तो ये है आपकी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। और उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी की यात्रा एक छोटी यात्रा नहीं है, 3,570 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें आप 150 दिन की यात्रा। इस यात्रा का मेन मकसद ये है कि उन लोगों की आवाज बनना। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, अब आपने कह ली पार्टी के भीतर की बात कह ली, लेकिन अब आइए उत्तर प्रदेश की सियासत पर। ये तो रही राष्ट्रीय स्तर पर ये तमाम चीजें चल रही हैं, खूब चर्चा है, हो हल्ला है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में देखा जाए कांग्रेस पार्टी के हालो हालात, तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं, आप भी जानती हैं। लेकिन ऐसे में क्या प्रसपा के लिए या गठबंधन के लिए कुछ विचार बनाया गया है? देखिए, गठबंधन के लिए अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि उत्तर प्रदेश की जनता भी महंगाई से हाहाकार कर रही है, घोटालों से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, महिलाओं की सुरक्षा पर कोई बोलने वाला नहीं है। नाहिद जी, आवाज आ रही है? स्वागत है आपका हमारे तमाम मेहमानों के साथ। जी शुक्रिया। नाहिद, अपने चाचा तो नाराज है, वो प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पड़ोस वाले चाचा को साइकिल पे सवारी और उनके साथ वाली पोस्टर छपी है, क्या चल रहा है? चारों तरफ से वार हुए जा रहे हैं अखिलेश यादव पर। नहीं लता जी, अब आप तो देखिए ना कि ये तो जो स्वयंभू दल है, ये तो रोज ही भाजपा के सुर और ताल में ता देना जिंदा करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है थर्राई हुई है, माननीय ये आवाज है को करे इसको ठीक करा दीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी से, नीतीश जी से, ममता जी से, तेजस्वी जी से, जयंत चौधरी जी से, हमारे जो जो जनहित के मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं जो दल, वो जो एकजुट हो रहे हैं, उससे भाजपा बुरी तरह से थर्राई हुई है और घबराई हुई है। इसीलिए बीजेपी जो है अपने भोपू दलों को आगे कर अनर्गल अलाप कराती है। अच्छा नहीं जी, उनको थर्राने दीजिए, कांपने दीजिए और बौखलाने दीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।